अनंतनाग प्रशासन का हुरियत नेता के खिलाफ बड़ा कदम है ये। अनंतनाग में हुरियत नेता काजी यासिर के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया गया है। अनंतनाग प्रशासन ने काजी यासिर का परिसर ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन ने कहा कि हुरियत नेता ने राज्य की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। नेता ने उस पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था जिसको अब पार्शियली तोड़ दिया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि अनंतनाग में हुरियत नेता का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसको फिलहाल तोड़ दिया गया है पूरी तरह से। हालांकि अभी ध्वस्त नहीं हुआ है, अभी पार्शियली इसको तोड़ा गया है, लेकिन वजह यह बताई जा रही है कि इन्होंने जमीन पर कब्जा किया हुआ था अवैध तरीके से, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो हुरियत नेता काजी यासिर का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है जिसको फिलहाल के लिए आधा गिरा दिया गया है, कुछ हिस्से इसके गिरा दिए गए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको ध्वस्त किया जा रहा है पूरे तरीके से। फिलहाल आधे कुछ ही हिस्से हैं इसके जो गिराए गए हैं, कुछ दुकानें हैं जिनको सील कर दिया गया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की। और बताया जा रहा है कि इस पर अवैध तरीके से दुकानें बनाई गई थी, अवैध तरीके से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साहिल मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। साहिल, तो ये बताया जा रहा है कि इलीगल तरीके से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, क्या इसके बारे में उनको पहले भी नोटिस जारी किया गया था और अब ये कार्रवाई आखिर क्यों करनी पड़ी कि इसको ध्वस्त ही करना पड़ गया है?